Yes, good morning everyone. Namaskar, Jai Hind students. This is Dr. Anurag Singh. I welcome you on board the present session of Daily Current Affairs Express on India's best online learning platform for UPSC CSE preparations, that is IAS Knowledge Mantra. तो आगे बढ़ने से पहले बता दीजिए स्टूडेंट्स, इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल सो दैट वी मे प्रोसीड अहेड इन टुडेज सेशन, लेट मी नो. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. तो चलिए देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट आज के सत्र में, और आज हमें देखना है वट एवर इज इंपॉर्टेंट इन द वेरियस न्यूज़पेपर्स अक्रॉस द कंट्री. तो चलिए मैं आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन. दिस इज डॉक्टर अनुराग, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड फॉर द पास्ट 1 decade इन ऑफलाइन मेंटरिंग एंड पास्ट 3 years इन ऑनलाइन मेंटरिंग अपॉन वेरियस एडटेक प्लेटफॉर्म्स. इन यूपीएससी आई हैव अपीयर्ड ट्वाइस फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट इन माई 4 attempts एंड 4 mains. आई हैव ऑल्सो वर्कड एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्सेस इन उत्तर प्रदेश फॉर 3 years, after which I resigned to pursue my passion of mentoring the UPSC aspirants. Telegram channel description box में दिया हुआ, देख लीजिएगा, follow कर लीजिए उसे, और एक answer writing group भी attach हुआ है, और students answer writing group में कुछ postings शुरू हो जाएंगे शनिवार से. आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, हमारी कोचिंग एकेडमी IAS टॉपर्स मंत्र बेस्ड इन पुणे ऑफर्स वेरियस ऑफलाइन कम ऑनलाइन कोर्सेज अपॉन इट्स मोबाइल एप्लीकेशन prarambh.live. ये मोबाइल एप्लीकेशन ऐप स्टोर आईफोन पे भी उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है. 25 तारीख से सक्षम मेंटरशिप लर्निंग शुरू हो रहा है स्टूडेंट्स, और मैं बता दूं आपको प्रीलिम्स के लिए सक्षम मेंटरशिप लर्निंग वॉज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम फॉर दिस ईयर. और ये सक्षम मेंटरशिप लर्निंग में इस बार मेंस के लिए अगले 1 साल तक मींस ये चलता रहेगा. डायनामिक एरियाज इसमें इंक्लूडेड है, देखिए आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स डिटेल्स ऑफ सब डायनामिक एरियाज एंड करंट अफेयर्स, वर्ल्ड मैपिंग, इंडिया मैपिंग, एथिक्स के स्टडीज, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, PIB, मेंस आंसर राइटिंग. और इसमें मेंस आंसर राइटिंग लाइव रहेगा स्टूडेंट्स. लाइव का मतलब क्या मैं बता दूं, जो लोग ऑफलाइन में आएंगे सामने आंसर लिखेंगे 15 मिनट्स में, और जो लोग ऑनलाइन रहेंगे तुरंत से लिखकर आंसर इन मोबाइल नंबर्स पर आपको भेजना पड़ेगा. स्पेसिफिक मोबाइल नंबर्स आउट किए जाएंगे 9988873 58 में, बता दूं. तो एक तरीके से ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. विल बी टारगेटिंग 90% क्वेश्चन हिट कर जाए जो हम लोग पढ़ें मेन्स में इस बार, ठीक है. और मैं बता दूं स्टूडेंट्स दैट सक्षम मेंटरशिप कोर्स से इस बार प्रीलिम्स में 37 के आसपास क्वेश्चंस पूछे गए थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. डायरेक्टली लगभग मींस अगर देखा जाए तो 25 से 30 सवाल तो डायरेक्टली आए थे, और जो लोग इसको फॉलो किए उन्हें पता है ये चीज. इट वाज नॉट अबाउट लक, इट वाज ऑल अबाउट फिनिशिंग ऑफ ईच एंड एवरी एरिया. यूपीएससी में लक या किस्मत काम नहीं करती है, मैं यही मानता हूं. इनफैक्ट जीवन में किस्मत या लक का रोल खत्म हो जाता है अगर आप सब कुछ फिनिश ऑफ कर देते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं. जितना आपके सामने काम पड़ा हुआ है खत्म कर दीजिए, किस्मत का रोल खत्म हो जाएगा. तो यही है सक्षम मेंटरशिप लर्निंग. इसके अलावा लक्ष्य फोकस मॉड्यूल स्टूडेंट्स 1 ईयर कोर्स 10 जुलाई से शुरू हो रहा है, इसका भी लिंक आ जाएगा prarambh.live पर. सक्षम का ऑलरेडी लिंक आ चुका है, और जिन लोगों को एडमिशन लेना है कोई डाउट्स है आप इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9988873 54 9988873 58, और मेरा खुद का मोबाइल नंबर 7038899438. तो क्या बढ़ चला जाए आगे स्टूडेंट्स. मैं बता दूं आंसर राइटिंग में इफ यू आर फॉलोइंग अस एट IAS टॉपर्स मंत्र, अगर आप मेंस दीजिएगा तो आप क्वालिफाई कीजिएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं. क्योंकि अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो होल हार्टेडली, क्योंकि हमारी तरफ से इट्स नॉट अबाउट बीइंग प्रोफेशनल इन प्रिपरेशंस, इट्स अबाउट बीइंग पैशनेट इन प्रिपरेशंस. पैशनेट का मतलब जुनून होता है, पैशनेट, पैशन होल्ड कीजिए किसी काम को करने को लेकर, कि उस काम को पूरा करके ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है. तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले GS पेपर 1 में हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री में, प्री हिस्ट्री में, इनफैक्ट एंशंट हिस्ट्री नहीं, प्री हिस्ट्री से एक न्यूज आया आज द हिंदू में, आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड्स मीजोलिथिक एरा रॉक पेंटिंग इन आंध्रा गुंटूर. ये देखिए स्टूडेंट्स,
कहां लिंक कीजिए, करंट अफेयर्स में बता दो, हम लोग लिंक करते हैं पहले। लिंक का मतलब क्या होता है? डीकोड इंटरलिंक अप्रोच। टॉपिक कौन सा है? टॉपिक ये मीजोलिथिक प्री हिस्ट्री, ठीक है। लोकेशन कौन सा है? गुंटूर। गुंटूर का लोकेशन देख लीजिए स्टूडेंट्स एक बार मैप पे, आप सभी लोग ये देखिए। सो दिस इज द गुंटूर्स लोकेशन, यू कैन सी इट हियर, इट्स जस्ट साउथ ऑफ मछलीपट्टनम, ये देखिए, एंड जस्ट नॉर्थ ऑफ ओंगोले, ये देखिए बेल्ट यहां पर स्टूडेंट्स, ये इनफैक्ट कृष्णा रिवर डेल्टा का बेल्ट है, ये देखिए इस जगह पर। गुंटूर में पाए गए हैं मीजोलिथिक एरा की पेंटिंग्स, आप देख सकते हैं। तो दिस इज कंप्लीटली फाइंडिंग द बैकग्राउंड ऑफ द न्यूज। गुंटूर कहां पर मालूम चल गया लोकेशन, मुझे फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताइए। ये देखिए गुंटूर है स्टूडेंट्स, ये देखिए, दिस इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुंटूर, यू कैन सी इट हियर। दिस इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ कृष्णा, ये देखिए, दिस इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोदावरी, वेस्ट एंड ईस्ट गोदावरी, यू कैन सी इट हियर। दिस इज द कंप्लीट आंध्रा कोस्ट लाइन, इसे चूल मंडल या कोरोमंडल कोस्ट लाइन कहते हैं। सो दिस इज इट, एंड मीजोलिथिक एरा क्या होता है आइए पढ़ लिया जाए स्टूडेंट्स। मीजोलिथिक एरा हंटिंग गैदरिंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टेड, फायर वॉज इन्वेंटेड, इट वॉज दिस एरा वॉज फीचर्ड या कैरेक्टराइज बाई माइक्रोलिथिक टूल्स। माइक्रोलिथ टूल्स आर स्मॉल पॉइंटेड शार्प स्टोन टूल्स, ये देखिए इंसान चालाक हो चला था मीजोलिथिक एरा में, ये चालाकी आज और आगे बढ़ गई है, नहीं मुझे बताइए। सो मीजोलिथिक एरा में इंसान बहुत चालाक हो जाता है। इसके पहले पेलियोलिथिक एरा में जो स्टोन एज था उसमें दिस बिग टूल्स इस्तेमाल कर किए जाते थे। बिग टूल्स मीन्स ब्लंट, शार्पेंड नहीं थे, ओके, पॉइंटेड नहीं थे, और इसीलिए कभी कभी हंटिंग में फेल करता था इंसान। लेकिन ये देखिए शार्पन कर दिया, देखिए यहाँ पर, इसे कहते हैं टूल टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन इन द प्री हिस्ट्री। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब इससे चोट लगेगी तो जानवर मरेगा ही, ये देखिए। तो हंटिंग एंड गैदरिंग का एवोल्यूशन देखिए, और गुंटूर में पाया गया, इसका मतलब साफ है। देखिए प्री हिस्ट्री में इट्स ऑल अबाउट रिवर वैलीज बीइंग द साइट्स ऑफ द मीजोलिथिक, रिवर वैलीज बीइंग द साइट्स ऑफ द मीजोलिथिक एज एरा, यस। सो रिवर कृष्णा वैली, ये देखिए लिखा हुआ साफ साफ स्टूडेंट्स, यू कैन सी इट हियर, ये देखिए। तो ओरवा कल्लू करके जगह है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, ओरवा कल्लू, ये देखिए, और वहीं से ये पाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। तो यहां पर और भी कुछ पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, ये देखिए, दिस द पेंटिंग्स हैव बीन मेड बाय नेचुरल वाइट काओलिन एंड रेड ओकर पिगमेंट्स। ओकर इज अ पिगमेंट कंपोज ऑफ क्ले, सैंड एंड फेरिक ऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। काओलिनाइट इज अ सॉफ्ट अर्दी एंड यूजुअली वाइट मिनरल प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल वेदरिंग ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट लाइक फेल्डस्पार। ये देखिए काओलिनाइट मिनरल है, केमिकल वेदरिंग हुआ है एल्यूमिनियम सिलिकेट का, उससे प्रोड्यूस हुआ है। ओकरे पिगमेंट है क्ले, सैंड और फेरिक ऑक्साइड का, आयरन इसके अंदर, आयरन है एक के अंदर एल्यूमिनियम है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो इससे डीकोड इंटरलिंक कहां कीजिएगा, अगर मेंस में क्वेश्चन आया तो प्री हिस्ट्री, दैट्स इट। प्री हिस्ट्री में डीकोड इंटरलिंक कीजिएगा। मीजोलिथिक साइट्स और कौन कौन से हैं देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स यहां पर, ये देखिए बागौर, आडमगढ़ एंड भीमबेटका में तो ऑल एजेस के पाए गए हैं ना दिस एविडेंसेस, यस। आइए देखते हैं, आगे बढ़ चलते हैं स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज, इनफैक्ट इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज एंड प्राइजेस एंड स्पोर्ट्स एक साथ देखेंगे। गीता प्रेस टू रिसीव गांधी पीस प्राइज, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द पब्लिशिंग हाउस। तो गीता प्रेस गोरखपुर 1923 में एस्टैब्लिश्ड, मैसिवली सक्सेसफुल पब्लिशिंग एजेंसी, वही होता है ना स्टूडेंट्स। देखिए कहा जाता है कि आप आज के इस एरा में भी, ठीक है, आज के इस ऑनलाइन एरा में भी पब्लिशिंग हाउसेस का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस, देखिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल हाउसेस। ये देखिए 93 करोड़ कॉपीज ऑफ ओवर 1850 बुक्स 15 लैंग्वेजेस में ये सोल्ड ऑफ किया गया है। ये देखिए
वर्ल्ड्स बिगेस्ट पब्लिशर ऑफ हिंदू रिलीजियस टेक्स गीता प्रेस गोरखपुर, ये देखिए। उसके बाद ये देखिए इसका सबसे बेहतरीन जो दिस मंथली मैगजीन है कल्याण, इट हैज दस फार सोल्ड 93 करोड़ कॉपीज, ह्यूज सक्सेस। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्लियर है मुझे बताइए। तो आइए देखते हैं गीता प्रेस गोरखपुर के पहले गांधी पीस प्राइज का एक इतिहास पीआईबी के न्यूज से। ये देखिए, गांधी पीस प्राइज इज एन एनुअल अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1995 ऑन द ओकेशन ऑफ 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। द अवार्ड इज ओपन टू ऑल पर्संस रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, बाहर के लोगों को भी अवार्ड दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि केवल इंडियंस को अवार्ड मिलता है। ये नोट कर लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। नेशनलिटी, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड और जेंडर सबको अवार्ड मिलता है। इसमें नेशनलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन लिंक दिस न्यूज ऑल्सो इन आर्टिकल 14 एंड 15, डू यू एग्री? एंड आर्टिकल 14 और 15 क्या वहीं वहां भी ये इसमें कुछ दिख रहा है इनपुट्स उसके राइट टू इक्वालिटी के? मुझे बताइए, नो डिस्क्रिमिनेशन कुछ दिख रहा है ना? द अवार्ड कैरीज एन अमाउंट ऑफ 1 करोड़, अ साइटेशन, अ प्लेक एंड एक्सक्विजिट ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम आइटम। पास्ट अवार्डीज देख लिया जाए, इसरो, रामकृष्ण मिशन, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, क्या बात है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम SBLP, मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश, गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा जो बाहर के लोग हैं दिस इंटरनेशनल, इसके अलावा देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिला है, सुलभ इंटरनेशनल, ये देखिए न्यू दिल्ली, एकल अभियान ट्रस्ट, इसका मतलब है अक्षय पत्र, ये देखिए, ये फेमस इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं फील्ड में, यानी इंडिविजुअल्स को भी मिलता है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिलता है, जैसा अभी गीता प्रेस को मिला है। इसके अलावा डॉक्टर नेल्सन मंडेला को मिला है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, इसके अलावा फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया, क्या बात है, श्रीलंका के भी दिस फेमस पर्सनैलिटीज, जर्मनी के भी फेमस पर्सनैलिटीज को मिला है। और रीसेंट अवार्डीज इंक्लूड सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सैयद ओमान के सुल्तान एंड शेख मुजीबुर रहमान 2020 में इनको दिया गया। देखिए यहां पर, इज दिस क्लियर? यस, नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, टेल मी? तो अब ये ज्यूरी कौन होता है, कौन चूज करता है? ज्यूरी इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एंड उसके बाद यूनैनिमसली इस बार गांधी पीस प्राइज गीता प्रेस गोरखपुर को दे दिया गया है, इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंट एंड अदर गांधीयन मेथड्स एस्टैब्लिश्ड 1923। ये देखिए, तो यू कैन सी इट हियर स्टूडेंट्स, गीता प्रेस गोरखपुर 1923 में एस्टैब्लिश्ड जयदयाल गोयनका, ये देखिए उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, बिजनेसमैन फ्रॉम बांकुड़ा वेस्ट बंगाल, पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट सर्विसेज, नोट कर लीजिए, स्पेशली उत्तर प्रदेश PCS एग्जाम के लिए नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। हाउएवर द सीड्स फॉर द आइडिया वर सोन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग गोयनकास बिजनेस ट्रेवल्स, ये देखिए। और उसके बाद 1923 से 100 साल हो गए स्टूडेंट्स, कितना बड़ा रोल प्ले किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने, ये देखिए। सो एंड सबसे बेहतरीन पब्लिकेशन मंथली मैगजीन कल्याण, दैट्स इट। ड्यूरिंग द पैंडेमिक व्हेन पब्लिशर्स अक्रॉस द वर्ल्ड वर फेसिंग मेजर क्राइसिस गीता प्रेस ग्रीव लाइक एनीथिंग, ये देखिए। तो 2022-23 में केवल 2.40 करोड़ कॉपीज सोल्ड की गई हैं 111 करोड़ रुपए की, ये देखिए 2.5 करोड़ कॉपीज 111 करोड़ रुपीज में, इट्स अ ह्यूज सक्सेस इन द एरा ऑफ ऑनलाइन एंड ई बुक्स कंसेप्ट, गीता प्रेस इज स्टिल अ बिग सक्सेस, 15 लैंग्वेजेस इट पब्लिशेस एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिशर गीता प्रेस गोरखपुर, इज इट क्लियर? लेट मी नो स्टूडेंट्स, ये देखिए
प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए आर्टिकल 14-15 गांधी पीस प्राइज इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले टॉपिक की तरफ। आज स्पोर्ट्स का भी एक न्यूज है, ये देखिए। सो भवानी मेक्स हिस्ट्री, बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन एशियन चैंपियनशिप मेडल। ये देखिए, इन्होंने होल्ड किया हुआ है, ये सोर्ड है फेंसिंग के लिए। ये देखिए, फेंसिंग एक्सपोर्ट होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए फेंसिंग स्पोर्ट्स। तो पहली बार किसी इंडियन ने फेंसिंग स्पोर्ट्स में एशियन चैंपियनशिप मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। ये देखिए, सी ए भवानी देवी ऑन मंडे स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय डिफीटिंग रीनिंग वर्ल्ड चैंपियन मिसाकी एमुरा इन द एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल एंड सिक्योरिंग इंडिया इट्स फर्स्ट एवर मेडल एट द इवेंट। ये देखिए, एशियन चैंपियनशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। तो यूपीएससी में भी आ सकता है भाई, मैं बता दूं आपको। इनफैक्ट कौन कौन से स्पोर्ट्स ओलंपिक्स में हैं नहीं है उसको लेकर भी आ सकता है, एशियन गेम्स में है नहीं है। तो और ये पर्सनैलिटी बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर इन अदर एग्जामिनेशन एज वेल। आइए आगे बढ़ा जाए। क्या ये क्लियर है स्टूडेंट्स, मुझे बता दीजिए। फेंसिंग, तो ये पहले तीन न्यूज। आइए आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक एनवायरमेंट इकोलॉजी का। यूरोप इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट रिपोर्ट। याद आ रहे हैं मुझे वो दिन, क्या दिन थे जब यूरोप, क्या दिन थे वो जब यूरोप की तरफ से फ्रांस और यूके, यूके की तरफ से बोरिस जॉनसन ने कहा था, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वर्ड्स आए थे G7 ग्रुप के मीटिंग में, दैट क्लाइमेट चेंज इज फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड टू सी। क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट सबसे ज्यादा डेवलपिंग वर्ल्ड पर पड़ेगा। डेवलप्ड वर्ल्ड विल सी द इंपैक्ट बट आफ्टर सम ड्यूरेशन। डेवलपिंग वर्ल्ड वॉज लाइक गरीब को ही सब मारता है, ठीक है, देख लेंगे। क्या पता था कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसी तेजी से बढ़ेगा कि डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ इनगल्फ कर लेगा डेवलप्ड कंट्रीज को भी। ये देखिए यहां पर, यूरोप हैड नेवर इमेजिन्ड इन द वाइल्डेस्ट ऑफ इट्स ड्रीम्स दैट वाइल्ड फायर सोर आउट करेंगे वहां पर। मुझे बताइए, क्या कल फिनलैंड का न्यूज आया था, मुझे बताइए स्टूडेंट्स। यस यस अंजलि, यू कैन लिंक दिस न्यूज विद वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन लेड एम्पावरमेंट, यस करेक्ट। तो ये देखिए यहां पर आग लगी हुई है स्पेन में, कंडीशंस बहुत खराब हो चली है। स्पेन सबसे वर्स्ट अफेक्टेड बेल्ट। स्पेन की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो स्पेन क्या बे ऑफ बिस्के, ये देखिए बे ऑफ बिस्के, नोट कर लीजिएगा, से लेकर मेडिटेरेनियन सी से लेकर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर तक है। मुझे बताइए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये देखिए जिब्राल्टर। और स्पेन में कुछ जगह हैं जहां पर आग लगी थी लास्ट ईयर, वैलेंसिया, ये देखिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वैलेंसिया। स्पेन बहुत फेमस है स्टूडेंट्स मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के लिए, ऑलिव ऑयल, ऑलिव्स होते हैं वहां पर। और इसके अलावा कॉर्क इंडस्ट्री है, कॉर्क, यस, जो ढक्कन बनता है ना कॉर्क, ठीक है। तो वहां पर एक रिवर है, रिवर ग्वाडलक्विवर, उसी के आसपास एक जगह है सेविल्ले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस सेविल्ले, ये देखिए नोट कर लीजिएगा मैप में, सेविल्ले रिवर ग्वाडलक्विवर, ये देखिए, इट गोज वेस्टवर्ड्स इनटू अटलांटिक, साउथ स्पेन में है। ये पूरा बेल्ट अभी जल रहा है लाइक एनीथिंग, ये देखिए। इतना ही नहीं, पोर्चुगल, फ्रांस, जर्मनी, इटली, एड्रियाटिक कोस्ट लाइन, एवरीथिंग इज बर्निंग लाइक एनीथिंग एट प्रेजेंट। मराइन हीट वेव्स हैव स्ट्रक मेडिटेरेनियन सी, यू कैन सी इट हियर स्टूडेंट्स, killing species, and rainfall has been recorded as below normal, you can see it here. Pata nahi aage kya hoga. The continent is warming at twice the global averages since 1980s, saw its warmest summer last year. Finland mein 30 degree ho jaye aur UK mein 40 degree temperatures reach kar jaye, tab to aa raha hai samajh mein ki kitna extreme temperatures reach kar rahe hain developed countries mein bhi students. Ye dekhiye, क्या मार्क कर लिया आप लोगों ने रिवर ग्वाडलक्विवर सेविल्ले प्लेस, मुझे बताइए स्पेन के अंदर। तो देखिए स्पेन पे ही पूरा फोकस है यहां पर, ये देखिए लाइव मिंट का न्यूज है स्टूडेंट्स। वैल्यू एडिशन क्लाइमेट चेंज, वैल्यू एडिशन वाइल्ड फायर्स, ये देखिए क्लाइमेट चेंज एंड वाइल्ड फायर्स, दैट्स इट। आइए आगे बढ़ा जाए। 68 सेकेंड न्यूज इकोलॉजी एनवायरमेंट, 68 डेड इन बलिया
amid heat wave. How high temperatures with high humidity can be fatal? ये देखिए, तो बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां पर जस्ट बिहार की बाउंड्री पर बलिया डिस्ट्रिक्ट. यस यस, फॉरेस्ट फायर से ह्यूमन लॉस तो होगा ही. लास्ट ईयर पोर्चुगल का आपको मुझे फोटो याद आ रहा है, जेसीबी पर बैठकर लोग निकल रहे थे पोर्चुगल से, आग लगी हुई थी, घर के घर जल गए थे. तो जेसीबी का भी बहुत बड़ा रोल है वहां पे भी, जैसे इंडिया में रोल है. नहीं ओके तो चलिए देखा जाए स्टूडेंट्स, बलिया डिस्ट्रिक्ट 68 लोगों की डेथ पिछले 3 दिन में. ये देखिए, लेट सी, ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज कुछ बता रहा है, आइए देखा जाए. एल नीनो इज हैविंग इट्स इंपैक्ट्स. एल नीनो के कारण मैं बता दूं, मैक्सिको में बर्ड्स की डेथ हो गई है मैसिव, पेरू में एनकवी फिशेस की डेथ हो गई है. मीन्स हाहाकार मचा हुआ है, मैसिव क्लाइमेटिक मीन्स प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन अक्रॉस द वर्ल्ड. ये देखिए, फॉरेस्ट फायर इज एक्सीडेंटल डिजास्टर एंड नेचुरल डिजास्टर एज वेल. लेट मी टेल यू, फॉरेस्ट फायर लगता है स्टूडेंट्स डिसीडियस में, इट्स नेचुरल, ठीक है. इन एवरग्रीन फॉरेस्ट इट्स मैन मेड. डिसीडियस में नेचुरल होता है, मैन मेड एक्सेंचुएट हो जाता है. गेटिंग द पॉइंट? एवरग्रीन में तो मैन मेड ही है, वहां पर बोलसोनारो गए हैं वहां पर साथ में सबको लेकर, चलाओ आग. नहीं, खैर बोलसोनारो चले गए. अब आइए आगे देखते हैं. 68 पीपल जून 15 से 18 के आसपास 43.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. मुझे बताइए गंगा प्लेन्स में रहने वाले आप सभी बच्चा लोग, जो लोग गंगा प्लेन्स में रह रहे हैं, क्या तापमान बहुत ज्यादा हो गया? लेट मी नो. एक्सपेक्टेड है 45 डिग्री सेल्सियस एक्सपेक्टेड है आज और कल एक्सपेक्टेड था. ये देखिए स्टूडेंट्स, तो दिस इज ह्यूज. जून 22 के बाद ही 40 के नीचे आएगा आंकड़ा. ये देखिए, क्या तापमान इतना खराब होता है? तापमान खराब नहीं होता स्टूडेंट्स, ओनली हाई टेम्परेचर अलोन अरेंट फेटल इन नेचर. इट्स व्हेन हाई टेम्परेचर्स आर कंबाइंड विद हाई ह्यूमिडिटी नोन एज वेट बल्ब टेम्परेचर, हीट वेव्स बिकम लीथल. नोट कीजिएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या मीन करते हैं, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स. वेट बल्ब टेम्परेचर मीन्स हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी. यू कैन नोट इट आउट हियर स्टूडेंट्स. तो इसके पहले नवी मुंबई में ऐसा ही कुछ हुआ था, गवर्नमेंट अवार्ड फंक्शन हुआ था ओपन स्पेस में, लोग गए वहीं से फिर दिक्कत हो गई. आज बारिश हो रही है क्योंकि आज बीपर जॉय साइक्लोन शिफ्ट कर गया और चला गया है टुवर्ड्स द गंगा प्लेन्स, डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया. साइक्लोन नहीं, अब डिप्रेशन है, नॉर्मल डिप्रेशन में आ गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा लो प्रेशर एरिया तो रहेगा ना. लो प्रेशर एरिया मीन्स ड्रॉइंग आउट विंड्स. तो आज से लेकर कल तक एक्सपेक्टेशंस हैं पूरब में, मींस ईस्टर्न इंडिया में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में रेन्स आर एक्सपेक्टेड एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हैवी थंडर शावर्स आर एक्सपेक्टेड एट प्रेजेंट. लेट मी टेल यू, सो दिस इज इट. दिस मींस दैट द हीट इंडेक्स और द रियल फील्ड टेम्परेचर. आप देखिए स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको, आप अपने सिटी का तापमान देखिए गूगल पर, लिखेगा टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस, कल पुणे का था, फील्स लाइक 33 डिग्री सेल्सियस. क्या ऐसा लिखा रहता है, मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए आप लोग. सो 29 डिग्री सेल्सियस फील्स लाइक 33 डिग्री सेल्सियस. फील्स लाइक का मतलब क्या, वेट बल्ब आ गया वहां पर. यानी ऐसे तापमान मर्क्यूरी 29 डिग्री बता रहा है, लेकिन ह्यूमिडिटी के साथ में इंसान को उतनी गर्मी लगेगी जितनी 33 डिग्री पर लगती है. आइए देखते हैं क्या लग रहा है यहां पर, इसे हीट इंडेक्स कहते हैं. सो हीट इंडेक्स ऑफ बलिया रीच्ड 51 डिग्री सेल्सियस. ये देखिए यहां पर, क्या ये चिंता की बात है स्टूडेंट्स, मुझे बताइए. 51 डिग्री सेल्सियस, मैसिव प्रॉब्लम्स. ये देखिए, टेम्परेचर 43 था, फील्स लाइक 51 डिग्री. 51 डिग्री में तो आदमी जल जाएगा भाई. नहीं, ये देखिए, such conditions could severely impact human bodies sometimes leading to death, notably relative humidity levels of balia before June 18 weren't available nahi hai uske pehle ki humidity levels, lekin high the humidity levels. ye dekhiye heat index, massive problems, 51 degrees huge students. ye dekhiye,
सो हाउ कैन हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी इंपैक्ट ह्यूमंस, इसको लेकर द एक्सप्रेस में ये देखिए आया हुआ डिटेल, चेन रिएक्शन कैसे डेथ होती है, देखिए स्टूडेंट्स, चेन रिएक्शन, राइजिंग बॉडी टेम्परेचर इफ नॉट डिसिपेटेड कैन अल्टीमेटली एंड इन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, ये देखिए। तो जब हीट अंदर शरीर में जाता है, हीट रिटेंशन लीड्स टू क्विक एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इफ बॉडी कांट डिसिपेट द हीट थ्रू स्वेटिंग, इतनी हीट आ रही कि पसीने से भी बाहर नहीं निकल रहा, ये देखिए टेम्परेचर ऑफ द बॉडी राइजेज अप। द डेंजर मार्क फॉर अ पॉसिबल हीट स्ट्रोक इज अराउंड 104 डिग्री फारेनहाइट, ये देखिए, बट कुड बी लोअर इन वल्नरेबल ग्रुप सच एज डायबिटिक्स, ओबीज, एल्डरली और चिल्ड्रन। 104 डिग्री फारेनहाइट पर शरीर पर इंपैक्ट परमानेंट हो जाता है, ये देखिए, फारेनहाइट को कन्वर्ट किए सेल्सियस में, ठीक है, तो 104 डिग्री क्या इतना तापमान पहुंच जा रहा है हीट वेव में, क्योंकि आप देखिएगा सर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फारेनहाइट, 104 पहुंचता है जब 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर रहता है एंड इट्स परसिस्टेंट एंड यू आर इन द ओपन सन, गांव में स्पेशली या ओपन एरियाज में अगर आप काम कर रहे हैं तो। इसके कारण क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी राइजेस अप, ये देखिए राइजिंग, अब देखिए यहां पर मैं चेन रिएक्शन दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, ये देखिए, तो राइजिंग हीट, राइजिंग टेम्परेचर्स इज इक्वल टू राइजिंग हीट इन द बॉडी, राइजिंग हीट इन द बॉडी मींस इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म, ये देखिए इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एग्री कर रहे हैं मुझे बताइए चैट बॉक्स में, ये देखिए, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ में यहां से स्टूडेंट्स हाइपोक्सिया, ये देखिए सांस लेने में परेशानी, इनफैक्ट हाइपोक्सिया होता ही है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण, ये देखिए हाइपोक्सिया का मतलब क्या है, हैव अ लुक स्टूडेंट्स, ये देखिए, फॉल इन ब्लड प्रेशर ब्रिंग्स डाउन ऑक्सीजन लेवल्स इन बॉडी लीडिंग टू हाइपोक्सिया विच हिट्स द हार्ट फर्स्ट, और ब्लड प्रेशर लो, दिक्कत की बात, एज द वेसल्स दैट पंप ब्लड एक्सपैंड, हार्ट बीट राइजेस, ब्रीदिंग इज फास्टर, लैक ऑफ ऑक्सीजन कॉजेस हेडेक, स्किन टर्न्स रेड, और यहीं से चिंता शुरू हो जाती है, ये देखिए। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, हैव अ लुक द थर्ड इंपैक्ट, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, अब देखा होगा जैसे ही डिहाइड्रेशन होता है सबसे पहले ब्लड टेस्ट किया जाता है, सोडियम पोटेशियम लेवल एंड क्लोराइड लेवल पता लगाने के लिए, देखिए यहां पर डिहाइड्रेशन ट्रिगर्ड डायरिया एंड वॉमिटिंग, डिस्टर्ब्स इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, स्पेसिफिकली सोडियम, ये देखिए पोटेशियम एंड क्लोरीन लेवल्स, ये देखिए यस हाइपोक्सिया इज लो ऑक्सीजन लेवल्स इन द ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट टॉक्सिन ओवरलोड, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा तो इसके कारण वेस्ट प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, प्रोसेस एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, खूब काम करेगा जैसे मशीन खूब काम करता है, खूब काम क्यों करेगा, हीट बढ़ रहा है और इसीलिए वेस्ट प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे और इसको बाहर फेंकने का जो प्रोसेस है वो तेजी से काम नहीं कर पाएगा, टॉक्सिन ओवरलोड बिगिंस, ये देखिए टॉक्सिन ओवरलोड, हैव अ लुक एंड उसके बाद ब्लड सेल्स RBCs स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग आफ्टर टॉक्सिन ओवरलोड, इट बिकम्स पॉइजनस स्टूडेंट्स। उसके बाद ये देखिए सोडियम, देखिए सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट, देखिए तीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सोडियम रेगुलेट्स वाटर कंटेंट, क्रिटिकल प्रोसेसेस इन मसल्स एंड स्केलेटल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम का लेवल 135 से 145 होता है, ये देखिए स्टूडेंट्स मिलीग्राम पर डेसीलीटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड पोटेशियम का लेवल 3.5 से 5 होता है, ये जरूर नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये 135 से 145, ये 3.5 से 5, ये देखिए, एंड बाइकार्बोनेट ये देखिए 22 टू 30 इज द लेवल्स, ये देखिए इट हेल्प्स मेंटेन द नॉर्मल लेवल्स ऑफ एसिडिटी इन द ब्लड, सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और अगर ये इनका डिसबैलेंस हुआ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, यू कैन सी इट हियर, सी इट, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन, ब्लड सिस्टम ब्रेकडाउन, हार्ट अटैक, उसके बाद किडनीज ओवरलोडेड विद टॉक्सिन्स, किडनीज में ऑर्गन सब कुछ शुरू ही होता है किडनी से, मैं बता दूं किडनीज में प्रॉब्लम,
किडनी फेलियर हैपेंस, फिर हार्ट फेलियर, उसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर. ये देखिए, एज मसल्स ब्रेक डाउन अ टॉक्सिन कॉल्ड मायोग्लोबिन, ये देखिए, इज रिलीज विच हिट्स द किडनीज. मैंने बताया ना आपको, किसी भी जगह पर अगर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहा है तो सबसे पहले किडनीज फेल होती हैं, और ये एक इंडिकेशन होता है कि संभाल लीजिए पेशेंट को, नहीं तो दिक्कत में चला जाएगा सब कुछ. ये देखिए मायोग्लोबिन, हैव अ लुक स्टूडेंट्स. उसके बाद इट स्टार्ट्स एंटरिंग इंटेस्टाइन्स, स्किन, हार्ट, एवरीथिंग बिकम्स प्रॉब्लमैटिक. दिस इज ऑल अबाउट हीट वेव्स. हीट वेव स्टूडेंट्स, मुझे डेफिनेशन बता दीजिए आप लोग, क्या हीट वेव का डेफिनेशन आया था? लेट मी नो, इज इट क्लियर? बॉडी पे इम्पैक्ट हीट इंडेक्स का. देखिए कितने न्यूज आ रहे हैं पर्यावरण के फील्ड से, एक ही टॉपिक से, और हर बार डाइवर्सिफाइड न्यूज आ रहे हैं. हैव अ लुक स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक. इंटरनेशनल रिलेशन इंस्टीट्यूशन से न्यूज, इंडिया गिफ्ट्स INS किरपान टू वियतनाम, फोकसेस ऑन एनहांसिंग डिफेंस रिलेशंस एंड सिक्योरिटी. डीकोड इंटरलिंक अप्रोच, इंडिया साउथ ईस्ट एशिया रिलेशंस एग्री कर रहे हैं. मुझे बता दिए चैट बॉक्स में, या इंडिया आसियान रिलेशंस, ये देखिए, या इंडिया इन साउथ चाइना सी, इन तीनों जगह पर आप ये नोट कर सकते हैं, इंडिया इन साउथ चाइना सी. ये देखिए, INS किरपान क्या है, आइए देखा जाए. इट्स अ कॉर्वेट, ये देखिए, स्मॉल वॉरशिप कहते हैं, ठीक है, यू कैन सी इट हियर. व्हाट इज कॉर्वेट? इट्स अ स्मॉल वॉरशिप, ट्रेडिशनली द स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ द वेसल कंसिडर्ड टू बी अ प्रॉपर वॉरशिप. ये देखिए, तो लड़ाई लड़ने के लिए सबसे छोटा जो जहाज होता है उसे, उसमें से एक है INS किरपान, और इंडिया गिफ्ट कर रहा है किसे? वियतनाम को. गिफ्ट ले जाओ भाई, वियतनाम कह रहा है क्या करेंगे, अरे भी ले जाओ यार, गिफ्ट में दे रहे हैं, रखो अपने पास, जरूरत पड़ेगा साउथ चाइना सी में, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मुझे बुला लेना, मैं चला भी दूंगा उसे, क्या दिक्कत है. डिफेंस एक्सपोर्ट्स, यस, डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी इसे लिंक करना है इस न्यूज को. क्लियर है? मुझे बताइए. ये देखिए, बहुत सटीक जहाज है स्टूडेंट्स, छोटा कहाँ है भाई, लग रहा है छोटा, मींस बोला जाता है, इस कंपैरिजन किया गया है बाकी जहाजों से छोटा है, लेकिन अपने आप में देखिए सफिशिएंट है ताइवान स्ट्रेट में घूमने के लिए, थोड़ा फिलिपाइन स्ट्रेट, लुजोन स्ट्रेट में घूमने के लिए, देखिए, ओके, और थोड़ा घूम कर जोसेफ बाइडेन को भी हेलो हाय करने के लिए. आइए देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेकेंड न्यूज. UN slams gender apartheid in Kabul, अफगानिस्तान काबुल. बहुत पहले से चल रहा है स्टूडेंट्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तालिबान का वहाँ पर. apartheid में एक नया शब्द अटैच हो गया. ये देखिए, apartheid वर्ड आपने कहाँ सुना है इसके पहले, मुझे बता दीजिए. हैव यू हर्ड इट वाइल रीडिंग अबाउट साउथ अफ्रीका, द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मुझे बताइए. Let me know. तो apartheid एक ये शब्द वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखिएगा, वहां भी लिंक कर सकते हैं आप. वर्ल्ड हिस्ट्री एंड IR आर सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है. ये देखिए, इट वॉज अ ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर. क्या इसी के खिलाफ लेट नेल्सन मंडेला जी ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का गठन करके और उसके बाद apartheid सिस्टम जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन किया था? मुझे बताइए. 1960s में बहुत बड़ा एक मैसेकर हुआ था दिस अफ्रीकन डिसेंट के लोगों का साउथ अफ्रीका में. अंततः 1992 में साउथ अफ्रीका थ्रू इट्स apartheid ऑफिशियल डिप्लोमेटिक सिस्टम. ये देखिए, apartheid का मतलब ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. साउथ अफ्रीका में स्किन कलर पे था, यहां पर क्या है? जेंडर बेस्ड. ये देखिए, जेंडर बायसनेस. क्लियर? apartheid जहां पे भी आएगा क्या करना, क्या कहना है आपको? ऑफिशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, दैट्स इट. सो दिस वॉज इट. ये देखिए, तालिबान ने पहले भी यही किया था, अभी भी यही किया है. UN टॉप एक्सपर्ट ऑन राइट्स इन अफगानिस्तान अर्ज कंट्रीज टू कंसिडर मेकिंग जेंडर apartheid एन इंटरनेशनल क्राइम, हेल्पिंग होल्ड द तालिबान अकाउंटेबल फॉर इट्स अब्यूजेस अगेंस्ट अफगान वुमेन. यू कैन सी इट हियर.
तो इसे लिंक कर सकते हैं अफगानिस्तान को भी लेकर, इसे लिंक कर सकते हैं आप वर्ल्ड हिस्ट्री में अपार्थाइड को लेकर, आप इसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में एग्जाम्पल दे सकते हैं इंटरनेशनल लेवल का। ये देखिए, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड न्यूज, मोदीज यूएस विजिट डील्स होप्स एंड चैलेंजेस। इनफैक्ट इस पर एक आर्टिकल हम लोग लेने वाले हैं इस हफ्ते में, इंडिया यूएस रिलेशंस के ऊपर। समय आ गया है कि इन टॉपिक पर फोकस किया जाए। इस बार ये मेंस में आएगा स्टूडेंट्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अंडरटेक हिज फर्स्ट स्टेट विजिट टू द यूएस दिस वीक। विल सी हिम मीट प्रेसिडेंट बाइडेन, इंटरैक्ट विद पॉलिटिशियंस एंड एड्रेस अ जॉइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस। यू कैन सी इट हियर। द टू साइड्स मे ऑल्सो साइन डिफेंस डील्स। What's on the PM's agenda? Prime Minister Narendra Modi visit will begin in New York on 20 June. After leading the International Yoga Day celebrations on 21st June, he will head to Washington DC. On 22nd June, the Prime Minister will hold a dialogue with President Joe Biden and address a joint sitting of both houses of Congress. Addressing a joint sitting, it's a big honor, state honor diya ja raha hai US ki taraf se. Dekhiye yahan par. A state dinner will be held on the same day in honor of his visit. Ye dekhiye. And on 23rd June, Modi will meet with Vice President Kamala Harris and Secretary of State Antony Blinken. He will also interact with the Indian diaspora at a mega event held in Washington's Ronald Reagan Center. You can see it here. The public focus will be on two key defense deals. You can see it here. The first will allow American General Electric and India's Hindustan Aeronautics Limited to jointly make jet engines in India. डिफेंस डील्स, ये देखिए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया आज की तारीख में फोकस कर रहा है, नॉट इन डिफेंस ओनली एक्विजिशंस डिफेंस वेपन्स के, ठीक है। दिस इज एक्सपेक्टेड टू पावर इंडियाज फाइटर एयरक्राफ्ट लाइक द तेजस एंड विल अलाउ इंडिया टू बिल्ड अ डोमेस्टिक डिफेंस इकोसिस्टम। अ सेकेंड कुड सी इंडिया सील अ $3 बिलियन परचेज ऑफ आर्म ड्रोन्स। तो ये पहला जेट इंजिन, क्या बात है, सेकेंड आर्म्ड ड्रोन्स। आप बोलिएगा सर आप ये क्यों अलग से लिख रहे हैं यहां पे आर्म्ड ड्रोन्स। स्टूडेंट्स आप बताइए मुझे, मैं क्यों अलग से लिख रहा हूं उस पर, टेल मी। मेक एंड असेंबल इन इंडिया, ठीक है, और कुछ बताइए। क्यों मैं लिख रहा हूं आप बताइए, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या एक मेजर फोकस शिफ्ट कर गया डिफेंस के ऊपर? बहुत पहले रॉस्टोव नाम के एक ज्योग्राफर ने, थिंकर ने कहा था, इकोनॉमिक ज्योग्राफर ने, रॉस्टोव के स्टेजेस ऑफ ग्रोथ का कंसेप्ट भी है, फाइव स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। एंड ही हैड टॉक्ड अबाउट दैट कंट्रीज वेल प्रोग्रेसिंग फ्रॉम बींग बैकवर्ड टू बींग प्रोग्रेसिव शिफ्ट वाया फाइव स्टेजेस। ये देखिए स्टेयरकेस बनाया था उन्होंने कि पांच स्टेजेस होते हैं, ये 1 2 3 4 5, ये सुपर पावर स्टेज होता है फाइव पर, डेवलप्ड लिटरेट इकोनॉमिकली सुपर पावर। नीचे में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी फोकस ओवर रिलीजन एंड डिफेंस। ये देखिए यहां पर, एंड रॉस्टोव कंसिडर्ड एक्सपेंसेस ओवर रिलीजन एंड डिफेंस एज नॉन कंड्यूसिव फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये देखिए, इसका मतलब साफ है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद रॉस्टोव के ये मॉडल पर अगर ज्योग्राफी ऑप्शन में सवाल आया पेपर वन में, थिंकर्स में, या जीएस में भी कोई क्वेश्चन आया, व्हाट हैव बीन द रिपरकशंस ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अपॉन द इंटरनेशनल हैपनिंग्स, द मेजर रिपरकशंस आर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज हैव रिजन। यस, ये देखिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज कुछ देशों में राइज कर गई हैं, एग्रीड, रिजन। सेकेंड स्टूडेंट्स, फोकस ऑफ द कंट्रीज ओवर डिफेंस राइजिंग अप, यस, फोकस ओवर डिफेंस राइजिंग अप, यस। एंड थर्ड, यानी कुछ कंट्रीज में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कुछ कंट्रीज में डिफेंस पे फोकस शिफ्ट कर गया है, और बाकी कंट्रीज स्पेक्टेटर्स के रूप में वॉच कर रही हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा ठीक से। देखिए, अगर मैं यूपीएससी का एग्जामिनर रहूंगा तो मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा इस बार के मेंस में,
UPSC is famous for twisted questions. और मैं पूछूंगा repercussions regional and global because of Russia Ukraine conflict. उसमें ये देखिए ग्लोबल पर देखिए यही चीज़ें देखिए स्टूडेंट्स. ठीक है, आप बोलेगा सर क्या ये गलत है? गलत या सही, इस संसार में कुछ नहीं होता है. एक इंसान के लिए वही चीज़ गलत होती है दूसरे इंसान के लिए सही होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूएस में गन लेकर चल रहे हैं, इतना सेफ्टी, इतना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो वहाँ गलत है गन लेकर चलना. क्यों चल रहे हो भाई? सब कुछ तो मिला हुआ है, खाने के लिए जा रहे हो रेस्टोरेंट में, बाहर निकल रहे हो, पैसा ही पैसा है पास में, फिर बंदूक ले लिए, उड़ा दिए गोली से 10 लोगों को यूएस में, गलत है. इधर तालिबान और अफगानिस्तान में मालूम चला कि ये कंडीशन चल रही है कि अपने पास डिफेंस के लिए कुछ नहीं रखे तो ऐसे ही उड़ गए. इसलिए मैं कह रहा हूँ सही या गलत का मापदंड, सही या गलत का मापदंड मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस वेदर एनी स्टेप इज करेक्ट और रॉन्ग. द ओनली थिंग वी कैन से इज दैट द एक्विजिशन ऑफ डिफेंस वेपन्स हैज इंक्रीज्ड इन द पोस्ट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट इज गोइंग टू बिकम अ वेरी क्रिटिकल इनपुट. इकोनॉमीज आर इन रिसेशन, एक वजह यह भी है. मुझे बताइए कि आप भी सपोर्ट कर रहे हैं इस व्यू पॉइंट को. रिसेशन में इकोनॉमीज एक मेजर वजह यह भी है स्टूडेंट्स. इकोनॉमीज के रिसेशन में जाने का एक वजह कोविड, सब कोई कहता है एग्रीड, कोई कहता है कि उसके बाद यार कोविड के बाद जो पैसा प्रिंट किया गया था उसके बाद पैसा निकालने के लिए मार्केट से टाइटनिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी चालू किया गया, पैसा खींचने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए, रेपो रेट्स इंडिया में, वहां पर फेड रेट्स यूएस में, तो उससे भी रिसेशन आया. लेकिन कोई नहीं कहता कि इसके कारण भी रिसेशन आ रहा है. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मेजर कंट्रीज है उसमें इन्वॉल्व है. रशिया अटैक कर रहा है, यूएस कह रहा है घबराओ मत यूक्रेन, मैं तुम्हें आर्म्स दूंगा. यूएस कह रहा है कि मैं उसे ही नहीं दूंगा आर्म्स, मैं सबको दूंगा, जिसे लाइन में लगना है लाइन में लग जाओ, आर्म्स मिलेंगे लेकिन पैसा देना पड़ेगा. अरे पैसा बंदूक खरीदने में लगाओगे तो खाना कहां से खाओगे? नहीं खा पाओगे. So you have, this is called as opportunity cost. I hope you have read about it in the NCRT. Opportunity cost. You can use the same amount of money either in economic development or in defense development. The choice is yours. That's it. So you'll be losing something if you would be putting up in the defense. Yes? आप कहेंगे सर डिफेंस में भी लगाना जरूरी है. भाई सब जगह लगाना जरूरी है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही होता है कि देखिए आपको सब कुछ नहीं मिलेगा जीवन में, नहीं मिल सकता ना, बिल्कुल नहीं. आपके हाथ में अगर 10 करोड़ रुपए भी डाल दिए जाएं तो आपके डिजायर सेटिस्फाई नहीं होंगे. इस चीज को याद रखिएगा. और 10 करोड़ रुपए आप नहीं सर डिजायर सेटिस्फाई होगा, नो नॉट एट ऑल, आई कैनॉट बिलीव. अरे 1,00,000 करोड़ डाल दिया जाएगा आपके हाथ में फिर भी आपके डिजायर सेटिस्फाई नहीं होंगे, कुछ ना कुछ छूटेगा उसमें. और अगर सब आ जाएगा ना तो उन चीजों के रख रखाव में आपका मन का जो मन की शांति है वही छूट जाएगी पीछे. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यू माइट बी द रिचेस्ट पर्सन अपॉन अर्थ इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी गेन्स, बट यू माइट नॉट बी द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ इन टर्म्स ऑफ पीस एंड कामनेस ऑफ द माइंड. दैट्स इट. हर इंसान की अलग अलग इसलिए प्रायोरिटीज होती है और हर इंसान जब अपने जीवन के अलग अलग पड़ाव पार करता हुआ अपना जीवन जीता है तो कहीं ना कहीं अंत में जाकर उसे लगता है कि कुछ ना कुछ चीजें छूट गईं. ऐसा कोई इंसान नहीं है संसार में जिसे यह नहीं लगता हो कि कुछ चीजें छूटी हों. कुछ ना कुछ छूटेगा. या तो आप बड़ी गाड़ी में सफर नहीं कर पाइएगा या बड़ी गाड़ी में सफर करके आपको दिक्कत हो जाएगी. कुछ ना कुछ छूटेगा. मन है, मन चंचल होता है. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एवरी टाइम यू विल बिलीव यार इससे अच्छा यहां खर्च होना चाहिए था. आप देखिएगा एग्रीड ना, टेल मी क्या आपने भी अपनी लाइफ में देखा ये होता है? वैसे यूपीएससी तैयारी शुरू की है यार, क्या और कुछ करना चाहिए था क्या? प्रीलिम्स का पेपर देखकर उसके बाद कुछ लोग ऐसे होंगे अरे यार प्रीलिम्स का पेपर देखकर यार हमको यही करना चाहिए था, यूपीएससी क्या कर दिए. ओके आइए आगे बढ़ते हैं. प्रीलिम्स के पेपर में भी क्वेश्चन नंबर 35 कर दिया, 37 करना चाहिए था यार, 81 क्वेश्चन नंबर कर दिए, 85 करना चाहिए था. घर आए अरे यार इसका ए ऑप्शन था, इसको बी ऑप्शन करना चाहिए था. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखिए हर जगह आ रहा है. ओके इट्स दैट, इट्स लाइक दैट.
तो ये देखिए लिखा हुआ है, डील्स डू मैटर. द विजिट कम्स एट अ टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट ऑप्टिमिज्म इन बोथ कंट्रीज अबाउट द ट्रैजेक्टरी ऑफ बायलैटरल टाइज. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बिकम वन ऑफ द फ्यू वर्ल्ड लीडर्स अलोंगसाइड फिगर्स लाइक नेल्सन मंडेला टू एड्रेस अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द यूएस कांग्रेस ट्वाइस. इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए. क्लियर? तो डिफेंस 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 को लेकर इंडिया यूएस में ऑलरेडी बहुत सारे एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं. पहला कॉमकासा एग्रीमेंट, नाम सुना है आपने. लेमोवा एग्रीमेंट दूसरा, एंड बेका एग्रीमेंट. अरे सर ये सब क्या आप बोल रहे हैं? कॉमकासा, लेमोवा, बेका, गूगल सर्च कीजिए, समझ में आ जाएगा. इंडिया यूएस ट्रैजेक्टरीज ऑन द अपस्विंग. ये देखिए क्लियर. साथ में स्टूडेंट्स, यूएस हैज बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया एंड इंडिया का ट्रेड सरप्लस में है यूएस के साथ में. एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, इंपोर्ट्स कम है. आप रहेगा सर ये क्या आप हिंट दे रहा है? मैं हिंट दे रहा हूं मेंस का एक सवाल एक्सपेक्टेड इस बार के लिए. या तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के रिपरकशंस या इंडिया यूएस रिलेशंस ऑन द अपस्विंग. कमेंट रेडी रहिएगा लिखने के लिए. ये सवाल मैं पुटअप करूंगा आज क्वेश्चन ग्रुप पर, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ग्रुप पर. वहां आपको देखना है और टैकल करके पुटअप करना है आंसर. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इंडियन इकोनॉमी से. जॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिट विल नीड लायबिलिटी फ्रेमवर्क. नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरपर्सन है अजय भूषण पांडे जी. ये देखिए और पांडे जी कुछ कह रहे हैं, हैव अ लुक. वैभव टाइमिंग 9 बजे के आसपास का रहेगा, ठीक है. अभी आज भी 10 बज गए हैं सेशन शुरू होते होते, ठीक है. तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स. और जो भी आप आ रहे हैं यूट्यूब पर, आप लोग वॉच करने सेशन प्लेलिस्ट में जाकर जून का सेशन देख लीजिएगा स्टूडेंट्स. आइए देखते हैं NFRA क्या है. इस पर प्रीलिम्स में आ सकता है स्टेटमेंट स्टूडेंट्स. जॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिट सजेस्टेड बाय एक्सपर्ट पैनल्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑडिट विल रिक्वायर अ वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क सेटिंग आउट द रोल ऑफ ईच इंडिपेंडेंट ऑडिटर. ये कहा है अजय भूषण पांडे जी ने. सामने आप देख रहे हैं फोटो इनका, ये देखिए. आप बताइए स्टूडेंट्स, कंपनीज की ऑडिट क्या जरूरी होती है? इंडिपेंडेंट ऑडिट क्या कंपनीज की जरूरी होती हैं या नहीं, ये बताइए. क्या अगर ऑडिट ठीक से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट, लेट मी नो फर्स्ट. व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑडिट? अकाउंट्स ऑडिट आप बार बार सुनते हैं, दोनों में फर्क क्या? मैंने दसियों बार बताया है आपको, स्पेशली जब भी CAG के रोल पर आता है, आर्टिकल 148 पर कुछ भी आता है, तो मैं मैं पुटअप करता हूं इसके बारे में, ठीक है. यस यस शिव, एडिटोरियल सेशंस बिगिन करेंगे, ठीक है. विल बिगिन विद इंडिया यूएस रिलेशंस. एडिटोरियल सेशंस नाइट में होंगे, इवनिंग में, लेट इवनिंग में, ठीक है. तो ऑडिट और अकाउंट्स में फर्क है. अकाउंट्स इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कहां कहां पैसा खर्च हुआ, कहां कहां से पैसा आया, डेबिट क्रेडिट अकाउंट्स में. ऑडिट चेकिंग करना इसको सही है गलत है. और कंपनीज के ऑडिट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं. ये देखिए, फर्स्ट इररेगुलरिटीज, डू यू एग्री? यस. सेकंड फ्रॉड्स, फ्रॉड्स इन विच केस IPO में जाने के लिए. सेकंड बैंक लोन उठाने के लिए. ये देखिए, आप बोले सर कुछ एग्जांपल दीजिए जिसमें कंपनी ऑडिट में कुछ प्रॉब्लम्स पाई गई. यस बैंक, सुना है आपने यस बैंक प्रॉब्लम्स. यस बैंक में पैसा पब्लिक का आया और खुद के लिए जमीन खरीद लिए बाहर, चिंता की बात है स्टूडेंट्स.
या नीरव मोदी के केस में पैसा उठाकर चले गए बाहर, खर्च कर दिया अपने एड्स पर। ये देखिए अभी कुछ कंपनी और में रेगुलरिटीज पाई गई हैं, एड टेक कंपनीज में भी पर्सनल अकाउंट और कंपनी अकाउंट को मिला दिया, इधर से उधर घपला कर दिया, दिक्कत की बात है। ठीक है, यस, थर्ड पॉइंट टैक्स इवेजन्स, ये देखिए ऑडिट रिपोर्ट में पाई जाती हैं, टैक्स इवेट किया जा रहा है कुछ ना कुछ गलत दिखाकर। ये देखिए, और इसलिए जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि किसी कंपनी में पब्लिक का भी पैसा लगता है, अगर वो कंपनी पब्लिक चली गई है इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ लेकर शेयर मार्केट में, और अगर नहीं तो बैंक का भी पैसा लगता है। बैंक का भी पैसा तो स्टूडेंट्स पब्लिक का ही ना पैसा है, डिपॉजिटर्स का पैसा। यस यस, मोर एनपीएस आर राइजिंग, इसीलिए ये कंपनी ऑडिट जरूरी होती है। और कंपनी ऑडिट को लेकर 2018 में एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये देखिए, द NFRA वॉज कंस्टिट्यूटेड ऑन 1st October 2018 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सब सेक्शन, ये सेक्शन 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यू कैन सी इट हियर, क्या बात है, NFRA अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। यस, रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पुट अप करके पब्लिक शेयर्स रेज किए जाते हैं, अग्रीड। तो ये देखिए, कंपनीज एक्ट में इसे सेटअप किया गया, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी स्टूडेंट्स, NFRA, जिसमें अजय भूषण पांडे जी हेड हैं। इनका काम क्या है भाई, देखिए, कंपनीज की ऑडिट को लेकर रिकमेंड करना पॉलिसीज, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड स्टैंडर्ड्स टू बी अडॉप्टेड बाय द कंपनीज फॉर अप्रूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड, एनफोर्स कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। इसी में लफड़ा पाया गया अभी रिसेंटली, मैं बता दूं आपको, इवन बायजू के केस में कुछ आया था स्टूडेंट्स, अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ आया था, लास्ट ईयर का स्टेटमेंट्स अभी तक नहीं पब्लिश किया गया था, इट वॉज पब्लिश 2-3 months बैक। और भी कुछ स्टार्टअप्स के आए हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स में, लेट हुआ है, तो इसने डिमांड किया था कि आप टाइम पर लाइए सब कुछ, एंड मोर ट्रांसपेरेंसी शुड बी ब्रॉट अप, इसी बॉडी ने कहा था। ये भारत सरकार ने बनाया है कंपनीज की ऑडिट को लेकर एक अम्ब्रेला अथॉरिटी। ये देखिए, ऑल्सो ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ द प्रोफेशनल्स एसोसिएटेड विद एंश्योरिंग कंप्लायंस विद सच स्टैंडर्ड्स एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ सर्विस। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात चल रही है, देखिए यहां पर। एंड फोर्थ, परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एंड फंक्शंस एज मे बी नेसेसरी और इंसिडेंटल टू द अफोरसेड फंक्शंस एंड ड्यूटीज। ये देखिए, मैं यहां पर अगर रहूंगा स्टूडेंट्स तो ऐसे बनाऊंगा इसके फंक्शंस। ये देखिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ये देखिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पहला, चार्टेड अकाउंटेंट्स, सर्विस स्टैंडर्ड्स एंड थर्ड कंप्लायंस। बस इतना देखिए, ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं। इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यस स्टैट्यूटरी बॉडी। ये देखिए, कंपनीज एक्ट 2013, बस काफी है। कंपनीज एक्ट 2013 में ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कंसेप्ट है, मुझे बता दी चैट बॉक्स में, CSR कौन कौन सी कंपनीज को मैंडेटरी है, लेट मी नो। क्या इस फ्रेमवर्क से कुछ इंप्रूवमेंट्स होगा? यस, तो अजय भूषण पांडे जी ने कहा है, देखिए, दैट हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए, देखिए इसके लिए, जॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए, हैव अ लुक। सो द डिमांड फॉर वाटर टाइट ऑडिट्स हैज ग्रोन फॉलोइंग अ नंबर ऑफ हाई प्रोफाइल बैंकरप्सीज इंक्लूडिंग दैट ऑफ नॉन बैंक लेंडर, ये देखिए, IL&FS इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। आई हैड टॉट दिस टॉपिक स्टूडेंट्स, 97,000 crore का घोटाला। ये देखिए, जॉइंट ऑडिट वुड इन्वॉल्व टू ऑडिट फर्म्स ब्रिंगिंग टुगेदर द रिसोर्सेज, दो इंडिपेंडेंट फर्म्स ऑडिट करेंगे, अच्छी बात रहेगी ना, चेक्स एंड बैलेंस लाने के लिए, देखिए, इसलिए जॉइंट चेक्स एंड बैलेंस। तो ये कह रहे हैं NFRA के चेयरपर्सन दैट जॉइंट ऑडिट करना है, अगर दो ऑडिट एजेंसीज कर रही हैं तो उसके लिए हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए होगा रोल डिफाइन करने के लिए। Is this clear? Let me know. So that's it out here. The joint audits as a solution to improve audit quality will depend a lot on the approach of the joint audit and how the responsibility of each auditor would be assigned. You can see it here. तो एक branch auditor रहेगा और एक independent auditor रहेगा, ये देखिए, that's it.
तो NFRA इज अ ऑडिट वॉच डॉग फॉर द प्राइवेट सेक्टर, ऑडिट वॉच डॉग। अरे सर आपने कैसा नाम दे दिया? मैं नाम नहीं दिया, यहाँ देखिए लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। NFRA प्रीलिम्स से भी आ सकता है, स्टैटूटरी है कि नहीं, ठीक है, मेंस में आ सकता है। ऑडिट में ट्रांसपेरेंसी कैसे हेल्प करेगी इंडिया को? आप अगर सर CAG का काम क्या होता है, वो गवर्नमेंट साइड सब कुछ, PSUs एंड एवरीथिंग, और गवर्नमेंट बजट, स्टेट गवर्नमेंट बजट, PSUs, उन सब एरिया पे फोकस, जहाँ पे गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं। प्राइवेट कंपनीज के लिए हम लोग केवल कानून बना सकते हैं, ऑडिट हो सकता है, सरकार ऑडिट नहीं कर सकती है उसे। ये देखिए, क्लियर? तो बस आर्टिकल 148 गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एंड NFRA प्राइवेट सेक्टर के लिए। स्टूडेंट्स, यही था आज के लिए मेरी तरफ से। एक टॉपिक रह गया है, आज एक टॉपिक आया था आज अदानी पोर्ट्स को लेकर, हम लोग कल देखेंगे उसको, ठीक है? ओके, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। इंडिया US रिलेशंस, NFRA, उसके अलावा आपने देखा जेंडर अपार्थाइड, इंडिया वियतनाम रिलेशंस, उसके पहले आपने देखा स्टूडेंट्स हीट वेव इन बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यूरोप इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वार्मिंग कंटिनेंट, वेट बल्ब टेम्परेचर भी आपने देखा। उसके पहले वी टॉक्ड अबाउट CA भवानी देवी एंड फेंसिंग चैंपियनशिप, गांधी पीस प्राइज एंड गीता प्रेस। उसके पहले यू टॉक्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज माइक्रोलिथ मेजोलिथिक एज एंड केव पेंटिंग्स इन आंध्र प्रदेश गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर रिवर कृष्णा रिवर वैली है। तो आगे अगर कोई कोर्सेज ज्वाइन करना है, पहला दिन सक्षम का फ्री रहेगा, मैं बता दूं, ठीक है? आपको मालूम चलेगा सक्षम मेंटरशिप कोर्स कैसे एक लैंडमार्क कोर्स बनकर उभरेगा आगे आने वाले समय में पूरे देश में UPSC प्रिपरेशन को लेकर। तो 25 तारीख को पहला सेशन 2 घंटे का फ्री रहेगा, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। बाद में सारे सेशंस इस मोबाइल ऐप पर प्रारंभ डॉट लाइव पर चलेगा। स्टूडेंट्स, प्रारंभ शुरू करने का मकसद ही था कि आप लोगों की तैयारी को फिर से रिजुविनेट करके आगे बढ़ा दिया जाए। अगर आपको पूरा कोर्स नहीं लेना है लक्ष्य का या सक्षम का, यू कैन परचेज इवन द सिंगल चैप्टर ऑल्सो, दैट्स इट। इट विल बी कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन यू, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और दिस आपके ऊपर डिसीजंस रहेंगे हर चीज़ के परचेज करने को लेकर। विश्व गुरु है कि नहीं इंडिया, या जस्ट अ नरेटिव है? मैं बस इतना बता दूं स्टूडेंट्स, दैट जब भी आप कोई कंसेप्ट या एक ऐसा शब्द लेते हैं, आपको लगता है कि उसमें शायद उस नरेशन में कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं या कुछ ऐसा है, तो उससे नेगेटिविटी नहीं लाने का। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट ब्रेक द रिकॉर्ड्स इन UPSC मेन्स, आप भाई कहिएगा ठीक है सर, ब्रेक करते रिकॉर्ड, सर कितना मार्क्स लाया जाए मेन्स से बताइए। मैं बोलता हूँ 1500 लेते हैं मेन्स में मार्क्स लिख कर। आप कहते हैं 1500? सर ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं पाएगा। तो क्या 1500 मार्क्स नहीं हो पाएगा तो क्या हम उसे साइड करते हैं उस कंसेप्ट को? नहीं, वो हमें प्रोपेल करता है कि वो कुछ ना कुछ हम लोग अचीव करें, हाइट्स पे आगे बढ़े। कितनी बार ये छोटे छोटे नरेशन हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, कितनी बार यूटोपियन वर्ड्स भी, अपार्ट फ्रॉम दिस यूटोपियन वर्ड्स कुछ रहते हैं लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ लाइक मीन्स अपने, या डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज ऑल्सो यूटोपिया, लेट मी टेल यू, डेवलपमेंट इज यूटोपियन वर्ड। कि ऐसा दिन हो, ऐसा समय हो, सब कुछ ठीक हो जाए, तो क्या वो अचीव होगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन आगे तो बढ़ जाएंगे हम लोग, आगे बढ़ना जरूरी है। अचीव होना ना होना इसको जज करना जरूरी है ही नहीं, दैट्स इट। बस यही रहेगा मेरी तरफ से आज के लिए स्टूडेंट्स। आई होप यू गॉट द कंटेक्स्ट। सो 1500 नंबर नहीं भी ला सकते हैं तो सोचिएगा जरूर, ठीक है? क्यों, लिख लीजिएगा। 1800 नंबर नहीं ला सकते हैं, सोचिएगा जरूर, लिख लीजिएगा, आएगा, ठीक है?
नहीं आएगा तो कम से कम जीवन तो सफल हो जाएगा, IAS बनकर, दैट्स इट। नमस्कार, जय हिंद, लेट्स एंड द सेशन एंड यस यू कैन कम। कल का भी PDF पोस्ट नहीं हुआ, मैं PDF पोस्ट कर दूंगा। ये मोबाइल नंबर है 9998783548, 9998783458। अंतिम के केवल एक डिजिट डिफरेंट है स्टूडेंट्स। VIP नंबर्स हैं, आप संपर्क कर सकते हैं क्लासेस के लिए। और ये देखिए 7038899438, ये तो मेरा है ही मोबाइल नंबर, दैट्स इट, टेक केयर।